नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नितिन शास्त्री पर। प्रिय मित्रों, मासा नाम मार्ग शीर्षे अयम। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जो महीना चल रहा है इसे हम मार्गशीर मास कहते हैं, यानी कि आम भाषा में इसे हम मगसर का महीना कहते हैं। प्रिय बंधुओं, मगसर मास की क्या विशेषता है, मगसर मास का क्या महात्म्य है और हमारे शास्त्रों में मगसर मास का क्या वर्णित उल्लेख है, आज के अंक में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय मित्रों, आज मैं आपको हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के एक सबसे पवित्र ग्रंथ के बारे में आपको बताऊंगा। वह ग्रंथ मैं आपको उसके दर्शन भी कराऊंगा, जिसके दर्शन मात्र करने से मगसर के महीने में भगवान हरि जी प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अभी जो महीना चल रहा है इसे मगसर का मास कहते हैं और इसी मगसर के मास में अगर हम उस किताब के, हम उस ग्रंथ के दर्शन मात्र कर लेते हैं तो दर्शन मात्र करने से भगवान विष्णु देवता प्रसन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं किस ग्रंथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और कौन सा वह पवित्र ग्रंथ है जो हिंदू धर्म में अपना एक सर्वोच्च स्थान रखता है। प्रिय बंधुओं, वह पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जी हाँ, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्रीमद् भागवत महापुराण है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, हिंदू धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण, एक सबसे सुंदर और सबसे पवित्र ग्रंथ भी हम इसे कहते हैं। इस ग्रंथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, भगवान सच्चिदानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए। हिंदू धर्म की विशालता हमारे ग्रंथों से ही है। बिल्कुल, श्रीमद् भागवत पुराण अगर आप मार्गशीर के मास में इसको केवल नमस्कार मात्र करते हैं तो उससे भी आपको श्रीमद् भागवत के पढ़ने जितना फल प्राप्त होता है। लेकिन आपसे प्रार्थना यही करते हैं कि अगर संभव हो पाए तो मगसर के महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण का जाप अवश्य करना चाहिए, उसका पठन अवश्य करना चाहिए। दिन में जब भी आपको समय मिले, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करें। प्रिय बंधुओं, अब मैं आपको बताता हूं मार्गशीर मास या मगसर का महीना महत्वपूर्ण क्यों है। जी हां, गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, गीता में स्वयं भगवान वासुदेव कहते हैं, मासा नाम मार्ग शीर्षो अयम। जी हां, मासों में मैं मार्गशीर हूं। आप खुद पवित्रता का अंदाजा लगाइए कि भगवान वासुदेव जी कह रहे हैं कि जितने भी महीने हैं उन सब में मैं मार्गशीर हूं। यानी कि अगर आप अपना कोई पवित्र कार्य, कोई ऐसा कार्य जिससे कि आप चिरकाल तक लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप मार्गशीर के महीने में, मगसर के महीने में वह कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य से आपको चिरकाल तक लाभ होगा। प्रिय बंधुओं, इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं मार्गशीर मास की महिमा। प्रिय मित्रों, मार्गशीर मास ऐसे तो हिंदू धर्म में जितने भी महीने हैं हर एक की अपनी अलग अलग एक विशेषता है, लेकिन
उन सब में से भी मार्गशीर्ष का जो मास है उसका अपना एक महत्व है, अपनी विशेषताएं हैं। वही विशेषताएं अब मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने सुझाव हमें लिख भेज सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष या मांसर का महीना, प्रिय बंधुओं, मगसर का महीना, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस महीने में श्रीमद् भागवत को देखने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु देवता प्रसन्न होते हैं। तो दिन में 2 या 3 बार अवश्य श्रीमद् भागवत के दर्शन करने चाहिए। सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष की जो प्रथम तिथि है उसी से वर्ष प्रारंभ किया है। तीसरा, मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा आती है उसको चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस पूर्णिमा को चंद्र देवता की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस पूजा का विशेष महात्म्य है। इसके साथ साथ मार्गशीर्ष के मास में आपको श्रीमद् भागवत का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। अगर मंगसर के महीने में आप श्रीमद् भागवत का पाठ करवाते हैं या श्रीमद् भागवत का पाठ आप श्रवण भी करते हैं तो कई गुना अश्वमेघ यज्ञ कराने का फल आपको प्राप्त होता है। प्रिय बंधुओं, इसके साथ साथ अगली विशेषता मैं आपको बताता हूं। मार्गशीर्ष या मगसर के महीने की अगली विशेषता है, अगर आप इस महीनों में कुछ मैं आपको पाठ बता रहा हूं अगर उनका जाप करते हैं तो भी भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। सर्वप्रथम मगसर के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से मगसर के महीने में भगवान सच्चिदानंद की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। उसके बाद दूसरा, गजेंद्र मोक्ष। जी हाँ, गजेंद्र मोक्ष का जाप अगर आप मगसर के महीने में करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, मगसर महीने की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज का यह अंक पसंद आया तो आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, या अन्य किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली या गोचर कुंडली संबंधित, तो कमेंट में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, श्री माता रानी आप सभी का कल्याण करे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।